गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ योर मैथ्स वीडियो। इन योर मैथ्स वीडियो वी आर स्टार्टिंग न्यू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4E। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। नाउ फर्स्टली यू ओपन योर बुक। इन योर बुक एज यू नो वी आर कंप्लीटेड आर 4A, 4B, 4C एंड 4D। नाउ वी आर स्टार्टिंग न्यू एक्सरसाइज 4E। सो पे अटेंशन। The first question is find the LCM by prime factorizations। In last exercise मैंने आपको बताया था कि prime factors क्या होते हैं, उनको किस तरह से निकाला जाता है। अब आपको LCM निकालना है, और LCM prime factorization से कैसे निकलेगा आप सब ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए, first question है आपका 15 एंड 30 का आपको निकालना है। तो आप 15 का LCM कैसे निकालेंगे, 15 का फैक्टर्स क्या है, यानी कि 15 कौन सी टेबल से कैंसिल होता है। आपको सबसे पहले सबसे छोटे से छोटे नंबर से कैंसिल करना है इसको। तो 2 से 15 नहीं होता है, तो हम 3 से करेंगे। 3 फाइव्स आर 15। अब बचा आपके पास 5 अपनी ही टेबल में आएगा, उसके अलावा किसी और टेबल में आएगा, तो 5 को हम किससे कर देंगे, 5 से, और 5 आर 5। तो इसके मल्टीपल के फैक्टर्स क्या हो गए, 3 × 5। ऑलराइट, फिर देखिए 30 है, 30 को हम पहले 2 से करेंगे, तो 2 से किया तो 2 बन जा 2, और बन गया आ गया तो 2 15 जा हो गया। 15 है तो फिर 3 से कैंसिल करेंगे, 3 × 5 = 15, बचा 5। फिर हम 5 से करेंगे तो 5 बन जा 5। इसके मल्टीपल फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 2 × 3 × 5। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे हम पेयर बना लेंगे। यहाँ 3 दोनों में आया तो 3 का पेयर बन गया, और ये 5 का बन गया तो ये 5 का पेयर बन गया, दोनों में 5 आया है हमारे पास बने। तो आप लिखेंगे LCM ऑफ गिवन नंबर्स क्या होगा आपके पास, LCM 2 × 3 × 5, यानी कि 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30। तो आपका LCM निकल के आ गया 30। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड सम, देखिए आपका है 60 और 75। सो 60 और 75 का भी इसी तरह निकाल लेंगे। ये देखिए 60 है, 60 को पहले 2 से करेंगे तो 2 × 3 = 6 और 0, फिर 2 से करेंगे 2 × 2 = 2, और यहाँ 1 आ गया तो 2 × 5 = 15, फिर 15 हो गए तो 3 से करेंगे तो 5 टाइम्स हो जाएगा, 15 हो गया, फिर 5 से कर देंगे तो ये 1 हो गया। ऑलराइट, तो ये इसके मल्टीपल्स आ गए। फिर 75 करेंगे, 75 को किससे कैंसिल करना शुरू करेंगे, 2 से तो कैंसिल होगा नहीं, तो इसे हम 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो 3 × 2 = 6, 1 यहाँ हो गया तो 3 × 5 = 15। अब है 25 किसके टेबल से कैंसिल होगा, 5 के टेबल से, तो 5 × 5 = 25, फिर 5 बचा तो फिर 5 को हम 5 से कर देंगे तो ये 1 हो गया। आप देखिए इनके फैक्टर्स लिखना शुरू करिए, 2 × 2 × 3 × 5, ये आपने बता लिया 2 × 2 × 5। अब ये वाले लिख लीजिए 3 × 5 और × 5, ठीक है, इनका पेयर बना लीजिए। ये देखिए 3 का पेयर बन गया, ये देखिए 5 का पेयर बन गया। ऑलराइट, तो आपका होगा LCM इज इक्वल टू 2 × 2, ये 2, ये 2, और ये 3 का पेयर बना, ये 3 × ये 5 का बना पेयर, ये, और जो एक ये 5 बचा है ये। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, और 65 = 300। तो इस तरह से आपका LCM क्या निकल के आ गया, 300 आ गया। ऑलराइट, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। सी है आपका 36, 60 और 72 का आपको LCM निकालना है। ये देख लीजिए आप बुक में अपनी, ये देख रहे हैं आप, यहाँ निकालना है। तो ये आपके 3 नंबर्स दिए हैं, इनके भी LCM सेम तरीके से निकलेंगे। देखिए ध्यान से, जैसे कि पहले किया आपने सेम वही करना है आपको। 36 का निकालेंगे तो 2 से करेंगे, 2 × 1 = 2, और 1 यहाँ हो गया तो 2 × 8 = 16, फिर 2 से करेंगे तो फिर 9 टाइम्स, फिर 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 × 3 = 9, फिर 3 बचा तो 3 से कर देंगे तो ये आ गया 1। फिर 60 है, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 × 3 = 6 = 30, फिर 2 से करेंगे 15, फिर 15 बचा तो 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 × 5 = 15, फिर ये 5 से हो जाएगा तो ये 1 आ गया। उसके बाद 72 है, 72 को भी आप 2 से करना शुरू करिए, 2 × 3 = 6, और 1 यहाँ आ गया तो 2 × 6 = 6 हो गया, फिर 2 से करेंगे तो 2 × 2, फिर यहाँ हो गया तो 2 × 8 = 8 हो गया, फिर 2 से करेंगे तो 9 टाइम्स का चला गया, फिर 3 से करेंगे तो 3 × 3 = 9,
और फिर 3 से करेंगे तो ये 1 आ गया। अब चलिए इनके मल्टीपल्स हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ 36 का लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। उसके बाद आपके 60 के हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाय क्या है 5, 5 को अलग लिख लीजिए। फिर इसके 72 का लिखना शुरू करिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 एक और है तो आप 2 इंटू 2 यहाँ लिख लीजिए 2, और क्या रह गया 3 और 5, 3 एंड 3 रह गया है तो 3 इंटू 3। ठीक है, देखिए 2 2 2 2 ये 2 ये 2, फिर 3 बार 2 हो गया, 2 बार 3 है, ये आपका हो गया। आप पेयर बना लीजिए, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया, तो आपके पास एलसीएम कैसे निकालेंगे आप, एलसीएम इज इक्वल टू ये 2 पहले रह गया वो 2, ये 2 ये वाला 2, फिर ये 3 का पेयर बना ये 3, फिर ये 3 का पेयर बना ये 3 और बचा लास्ट में 5। ऑल राइट, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72 एंड 72 5 ज़ा 360। तो ये आपका 360 एलसीएम निकल आया। तो बच्चों इसी तरह से आप इसके सारे सम कर लेंगे, ए बी सी डी ई एफ, ये सारे सम आपके हो जाने चाहिए। उसके बाद है फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर बाय डिवीजन मेथड। अब आपको डिवीजन मेथड करना है, तो डिवीजन मेथड में कुछ अलग नहीं है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका ए पॉइंट है देखिए 48 एंड 64, तो आपको 48 और 64 का एलसीएम निकालना है, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो चलिए आप इसको भी ऐसे ही करेंगे, बस फ़र्क क्या है आपको 48 और 64 को दोनों को एक साथ लिख लेना है और दोनों का एक साथ एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए ऐसे हम टेबल से कैंसिल करेंगे जिससे दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएँ। तो हम पहले 2 से करते हैं, तो 2 से 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। फिर हम 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ 1 आ गया तो 2 6 ज़ा हो गया। अब बचा 12 और 16, 2 की टेबल में 12 और 16 आता, 2 6 ज़ा 12 और 2 8 ज़ा 16। फिर बचा 6 और 8, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 3 ज़ा 6 एंड 3 4 ज़ा 8। अब बचे 3 एंड 4, तो ये अलग अलग टेबल से कटेंगे, आप पहले चाहे तो 2 से कैंसिल कर सकते हैं चाहे 3 से। तो आपने 2 से किया तो 2 से कैंसिल करके रखेंगे तो 3 हुआ और ये 2 बचा। अब 3 और 2 बचा तो फिर 3 से करेंगे, 3 बन जा 3 और 2 बच गया। फिर आप 2 से करेंगे तो 1 हो गया और ये 1 हो गया। आप जब तक करते रहेंगे जब तक आपका लास्ट में 1 ना आ जाए, आपको 1 ना आ जाए तब तक आपको करते आना है। अब चलिए इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए मल्टीप्लाई के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, आपको यहाँ पे पेयर्स नहीं निकालने क्योंकि आप दोनों को एक साथ कर रहे हैं। कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5, 5 बार है आपका, तो 1 2 3 4 5, 5 बार 2 हो गया। फिर आपका 3 हो गया और फिर लास्ट में फिर 2 है, ये 3 हो गया फिर 2 हो गया इज इक्वल टू कितना हुआ, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 3 ज़ा 96 एंड 96 2 ज़ा हुआ आपका 192। तो 192 आपका एलसीएम आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ऑलराइट, इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 पूरे फिनिश कर लेने हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे करेंगे। आपका होमवर्क है 1 एंड 2 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करना। आज के वीडियो में बस इतना ही।